हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम अगस्त का 15 से लेकर 21 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सब डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट वन मेरा चैनल पे डाला हुआ है एंड वीडियो का लिंक आई बटन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो आइए इस वीडियो को डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर। सो वन अरेंज्ड मर्डर बुक का ऑथर कौन है? सो उनका नाम है चेतन भगत। चेतन भगत जो कि फेमस राइटर है, इंडियन ऑथर है, ये किताब का राइटर है, वन अरेंज मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। कौन सा रिवर पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजाई। इजाई रिवर पर इसको बनाया जा रहा है, और ये जो इजाई रिवर है ये मणिपुर पे है, मणिपुर पे है ये इजाई रिवर। एंड अभी का मणिपुर का चीफ मिनिस्टर का नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है। एंड मणिपुर का गवर्नर का नाम है नजमा हपचुला। नजमा हपचुला मणिपुर का अभी का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिरिसिस्ट चुनाकारा रमन कुटी पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच रीजनल सिनेमा। ये कौन सा रीजनल सिनेमा से एसोसिएटेड थे, हाल ही में इनका देहांत हो गया है? चुनाकारा रमन कुटी इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये मलयाली मूवी से रिलेट रखते थे, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट निर्माण श्री फॉर व्हिच टू स्टेट। कौन सा दो राज्य के लिए यूरोपियन यूनियन ने निर्माण श्री करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इंडिया का दो राज्य महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के लिए ये यूरोपियन यूनियन ने निर्माण श्री करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एंड महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। महाराष्ट्र का जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी एंड उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। कौन सा कंट्री ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, वन सन वन ग्रिड एंड वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट कौन सा देश ने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट है, इसमें इंटरकनेक्टेड पावर ट्रांसमिशन ग्रिड होगा अक्रॉस द ग्लोब। सो ये जो सनलाइट को सेव करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड द गोल ग्लोब, एक ही ग्रिड से सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का इसका इरादा है। सो ये प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच फार्मूला वन रेसर हैज ओन द स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। सो 2020 का स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स किस फार्मूला वन रेसर ने जीता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज का ड्राइवर है, इस बार 2020 का स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द अटल टनल इन व्हिच स्टेट इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में जो अटल टनल इनॉग्रेशन होगा, ये कौन सा स्टेट में इनॉग्रेशन होगा? सो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का मनाली में ये अटल टनल इनॉग्रेशन होगा। एंड हिमाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जयराम ठाकुर। हिमाचल का चीफ मिनिस्टर का नाम है। एंड हिमाचल का जो गवर्नर का नाम है उनका नाम है बंधारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which country formally signed an agreement to buy 66 of latest model F-16 jet which is built by United States? United States का F-16 jet को कौन सा कंट्री ने बाय करने के लिए अभी साइन किया है, 66 नंबर को बाय करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के साथ साइन किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान ने F-16 को बाय करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया है। एंड ताइवान का कैपिटल है ताइपे, ताइवान का कैपिटल है। एंड इसका जो डॉलर है वो ताइवान डॉलर है, इसका करेंसी ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड व्हिच प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज स्पीच एट
74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। सो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए घोषित किए हैं। सो वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट सक्सेसफुल होने के बाद अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The Marine Product Export Development Authority (MPEDA) has opened a quality control laboratory for seafood export in which city? कौन सा सिटी में ये जो Marine Product Export Development Authority एक quality control laboratory को inaugurate किया है? So इसका right answer है option C, पोरबंदर। पोरबंदर जो कि गुजरात में है, इधर Marine Product Export Development Authority ने एक क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी ओपन किया है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर आपको पता है विजय रूपानी, गुजरात का चीफ मिनिस्टर है एंड गुजरात का गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च पढ़ाई तुहार पारा स्कीम? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने पढ़ाई तुहार पारा स्कीम लॉन्च करेगा। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है एंड छत्तीसगढ़ का गवर्नर है अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निशिकांत कामत हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिनाउंड डैश। सो निशिकांत कामत हाल ही में जिनका देहांत हो गया, ये एक रिनाउंड क्या थे? तो ये कौन सा फील्ड से नाता रखते थे? एक फिल्म मेकर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, बॉलीवुड डायरेक्टर। हाल ही में इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड कैंपेन टू अवेयरनेस अबाउट द अफोर्डेबल प्रैक्टिस फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन? सो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। सो वो कैंपेन का क्या नाम है? इसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आयुष फॉर इम्यूनिटी करके एक कैंपेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और अभी का जो हमारा मिनिस्टर ऑफ आयुष है उनका नाम है श्रीपद यशो नायक। अभी का हमारा आयुष मिनिस्ट्री है। और ये जो आयुष होता है इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, एस आयुर्वेद, वाई से योगा, एन से यू से यूनानी एंड एस से सीधा एंड होम्योपैथी, एच से होम्योपैथी। सो इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनानी सीधा एंड होम्योपैथी, आयुष का फुल फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? कौन सा स्टेट का न्यू गवर्नर के पद पे सत्यपाल मलिक जी को अपॉइंट किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय का गवर्नर के रूप पे सत्यपाल मलिक को अपॉइंट किया गया है एंड मेघालय का अभी का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कॉनराड संगमा मेघालय का अभी का चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस हाईवे नेम्ड आफ्टर व्हिच लेट पॉलिटिकल लीडर? सो किन के नाम पर ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस हाईवे को नामकरण किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे को नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 to 2020? सो ये जो किताब है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972 to 2020, इसका ऑथर कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन सुब्रमण्यम ये किताब का ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इब्राहिम बाबूकर केइटा हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? कौन सा देश का प्रेसिडेंट ये थे? हाल ही में ये प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन कर दिए हैं इब्राहिम बाबूकर केइटा। सो ये जो माली देश का प्रेसिडेंट थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माली का ये प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बाबूकर केइटा, ये जो प्रेसिडेंट के पद से हाल ही में रिजाइन दे दिए हैं। सो एंड ये जो माली का कैपिटल है बामाको, माली का कैपिटल है एंड माली का करेंसी है फ्रैंक, माली का करेंसी
फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट कॉल्ड जन बचत खाता। जन बचत खाता करके कौन सा बैंक एक डिजिटल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? सो हर साल कब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ SBM बैंक इंडिया? SBM बैंक इंडिया के साथ कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय अक्सा। भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक का इंश्योरेंस पॉलिसी को, ये जो उनका जो बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी इसको लॉन्च करने के लिए SBM बैंक के साथ भारत यक्षा लाइफ इंश्योरेंस ने एग्रीमेंट किया है। एंड ये जो भारत यक्षा लाइफ इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है, मुंबई पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच IT इंस्टीट्यूशन हैज ओन द टॉप पोजिशन इन ARIIA 2020? सो ये जो विच IIT इंस्टीट्यूशन, इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ये कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि ARIIA 2020 में बेस्ट सेंट्रली फंड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट का कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओक्ले हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? इंडिया के लिए किसको ओक्ले ने इसका ब्रांड एम्बेसडर पद के रूप के अपॉइंट किया है? सो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा, क्रिकेटर रोहित शर्मा को ये अपना ब्रांड एम्बेसडर के पद पे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कंपनी हैज अनाउंस्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द एनीवेयर स्कूल? एनीवेयर स्कूल करके जो इनिशिएटिव, ये किस कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। गूगल ने एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अप्रूव द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम ऑफ व्हिच रेलवे स्टेशन टू बनारस? सो कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके उसको बनारस किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर है मांडवाधी। मांडवाधी को चेंज करके अभी बनारस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रैंक टॉप इन द फोर्स लिस्ट ऑफ हाइएस्ट पेड एक्टर फॉर द ईयर 2020? सो 2020 के लिए ये फोर्स मैगजीन के द्वारा किसको टॉप में रखा गया है फॉर द हाइएस्ट पेड एक्टर? सो इसका राइट आंसर है डाउन जॉनसन। डाउन जॉनसन जो रेसलर कम हॉलीवुड एक्टर, सो इनको हाइएस्ट पेड एक्टर के और फोर्स मैगजीन ने टॉप रैंक में रखा है। सो इस वीडियो में इतना ही है, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।